तो दोस्तों ये हमारे इसकी जो आपकी टाइपिंग होने वाली है उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको 1 मिनट की टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से टाइपिंग होती है। ओके चलिए रेडी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो स्पीड निकल कर आ रही है आपको दिख रही होगी, 59 वर्ड पर मिनट निकल कर आ रही है। ठीक है, और जो मैं ये कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये एक बेसिक कीबोर्ड है जो कि आपको 250 रुपये का मिलता है। इसके बटन काफी छोटे होते हैं। अगर मुझे एक प्रॉपर कीबोर्ड होता मेरे पास तो मैं उससे करता तो मेरी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं 65 के अराउंड आ रही थी। देखिए कितना कंजेस्टेड कीबोर्ड है, बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं, बहुत छोटा कीबोर्ड है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एक करके दिखाया कि मैं और आपका NVS JSA MP में एक एग्जाम होता है, CPCT 2 बार निकाल चुका हूँ। इसके अलावा NTPC की टाइपिंग जो सबसे हार्ड आती है वो टाइपिंग में निकाल चुका हूँ इसके लिए। और ये मैं जो विदाउट प्रैक्टिस के आपको काफी समय के बाद मैंने ये करके दिखाया, ये मेरी स्पीड आ रही है। अगर मैं 5 दिन प्रैक्टिस करूँ तो यही स्पीड मेरी 70+ आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ये हमारे इसकी टाइपिंग आपकी किस तरीके से होने वाली, क्या आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से लिया गया है। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लिखा है, उसका पूरा सिलेबस नीचे आपका स्टेज सेकंड के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, जैसे कि टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी, पर्सनल पीसी पर होगा आपका, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर होने वाला है। यानी कि जो मैं आपको दिखा रहा था करके यहाँ पर इस तरीके का कीबोर्ड आपको मिलेगा, इस तरीके का पीसी मिलेगा। ये तो मेरा लैपटॉप है, आपको मिलेगा पीसी। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का हुआ। ओके ठीक है, इसमें से पासिंग मार्क्स होंगे 20 ना, 20 पासिंग मार्क्स होंगे 50 मार्क्स में से। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेट सेकंड टाइप राइटिंग टेस्ट इन द रेशियो 1:3। अब यू बोल रहे हैं ये 50 मार्क्स का हुआ, पासिंग मार्क्स रहेंगे 20, यानी कि ये तो चलो 20 रहेंगे, बट आपको जो मिनिमम स्पीड रखी ना, अब ये मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम पासिंग मार्क्स भी दे रहे हो, इतना का रखना है, 20 भी ले रही हो, किस बेसिस पर पासिंग मार्क्स बनाओगे आप? क्योंकि यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट, देखिए सीनियर JSA का आपका, ये JSA का सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड चाहिए आपको, और मिनिमम स्पीड 35 पर वर्ड मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। यानी कि कम से कम आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 या उससे ऊपर होनी चाहिए किसमें, इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी में इसमें। ठीक है, तो ये जो बोलना चाहते हैं तो भाई इनका पता नहीं चल पा रहा है कि किस बेसिस पर ये लेने वाले हैं। देखिए टाइपिंग जब होती है तो आपकी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि टाइपिंग कितने वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, हिंदी में क्या होगी, इंग्लिश में क्या होगी। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपकी टाइपिंग होगी ना, जो आपकी टाइपिंग होने वाली है वो किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की होगी। यानी कि आप में डाउट होगा ना कि सर हिंदी में भी करनी है क्या, इंग्लिश में भी करनी है, नहीं, केवल एक ही सब्जेक्ट पर्टिकुलर में, या तो आप हिंदी में टाइपिंग करिएगा या आप इंग्लिश में टाइपिंग करिएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस में लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है वहाँ पर, या मैं अभी किसकी करूँ, या मुझे किसकी दी जाएगी? तो इसके बारे में डाउट क्लियर कर दूँ कि जो आपको वहाँ पर टाइपिंग करनी है उसके लिए क्या होगा, इस जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टाइपिंग के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आता है जहां पर आपको लैंग्वेज चूज करने को बोला जा सकता है कि आप किस लैंग्वेज में अपना टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए और एग्जाम में वही लैंग्वेज आपकी हो जाएगी। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रैक्टिस के बारे में हम बात करेंगे तो ये होगा सिनेरियो, या फिर सिनेरियो ये होगा कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और उसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन पे कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एक होगा कि एडमिट एक नोटिस निकाल के कि आप ऑनलाइन फिल कर दीजिए आपको किस मीडियम में पेपर देना है टाइपिंग का। एक हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड आए और उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि आप जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किस में टाइपिंग करनी है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। तो दो तरीके से आपको यहाँ पर चूज करने को बोला जाएगा। मैं कहूंगा कि आप अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहती है ना, 35 पर वर्ड पर मिनट की आप स्पीड
चालू कर दीजिए, कितने नंबर वालों को टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी मैंने एक कट ऑफ बताया था, उससे अगर 5 नंबर भी नीचे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग स्टार्ट कर दिए, और आंसर की आने के बाद एग्जैक्ट हमें एक डाटा मिल जाएगा कि क्या सही कट ऑफ रह सकता है, तो उसके बाद आप टाइपिंग और उसको फास्ट करिए। बट मैं कहूँगा टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट करिए, अगर टाइपिंग सीख भी लेंगे ना तो वो आपका एक रोजगार का काम करेगी, ठीक है, वो कहीं पर वेस्ट नहीं जाने वाली, टाइपिंग आपको आगे काम ही आने वाली है। तो टाइपिंग जरूर सीखें आप, और हर किसी को टाइपिंग सीखनी चाहिए आज के ज़माने में। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिली ना, अगर पार्ट टाइम जैसे आप पढ़ने के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं, और अगर आपको टाइपिंग आती है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ईजिली 4 से 5 हज़ार रुपये 2 से 3 घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं खुद करता था तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, टाइपिंग आपको सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़, टाइपिंग का मैंने बता दिया किस तरीके से होगी, कितने नंबर की है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। टाइपिंग मैंने आपको करके दिखा दी कि किस तरीके से करते हैं। ये मेरा बेसिक कीबोर्ड है, आपको एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर से आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके लिए कीबोर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा, वहाँ पर क्या कीबोर्ड मिलने वाला है। अब एक डाउट निकल कर आता है कि सर जो हिंदी में अगर कोई बच्चा टाइपिंग करना चाहे तो उसका फॉन्ट क्या हो सकता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक तो आपका होता है रेमिंगटन गिल यानी कि मंगल फॉन्ट, एक होता है आपका कृतिदेव, और एक होता है आपका इनस्क्रिप्ट। तो दो पर लेता है, या तो रेमिंगटन गिल होगा या इनस्क्रिप्ट होगा, पर मैं फिर सजेस्ट करूंगा वो अभी इन्होंने कोई भी, या तो ये क्लियर लिख देते स्टार्टिंग में कि ये इस फॉन्ट में लेंगे, अभी कोई नहीं है, पता चला नहीं है कि इसमें क्या सिनेरियो हुआ कि इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया तुरंत, रिजल्ट के कुछ ही दिनों बाद, 1-2 दिन बाद या शायद उसी दिन आई थिंक 15 दिन बाद बोलते हैं कि आओ भाई टाइपिंग देने आ जाओ, और उस दौरान ये फॉन्ट बताते हैं उसके अंदर कि इस फॉन्ट पे लेंगे। तो 15 दिन में आप हिंदी नहीं सीख सकते, किसी भी फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते अगर आप एक पे जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस करें, ओके, ना कोई फॉन्ट का झंझट ना किसी चीज़ का झंझट। कीबोर्ड अगली वीडियो में बता दूंगा कौन सा बेस्ट रहेगा, किस सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करना चाहिए, किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो हमारा डाउट रह गया कि तो दोस्तों इसके बाद हमारा डाउट ये रहेगा कि जो हम टाइपिंग कर रहे हैं वो किस पैटर्न पर होगी, यानी कि क्या उसमें बैक स्पेस अलाउड होगा, उसमें जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट होंगे, उसमें एरर कितने परसेंट तक काउंट की जाएगी, या फिर हम एक मेथड होता है जिसमें बैक स्पेस बंद होता है, एक होता है जिसमें खुला होता है, एक में हाईलाइट होगा एक में नहीं होगा, एक में स्क्रॉल बार कम करेगा एक में नहीं करेगा। तो दो तरीके से पैटर्न चलते हैं। अभी जो KVS का एग्जाम होता ना तो उसमें बैक स्पेस काम कर रहा था, ना उसमें आपका जो मैटर था वो हाईलाइट हो रहा था, ना आपका स्क्रॉल बार कर रहा था, ऐसे ही NTPC में होता। बट अगर हम इसके अपोजिट में आए NVS के पेपर में, ये तीनों ही चीज़ें वर्क कर रही थी और आपको हाईलाइट भी हो रहा था, बैक स्पेस भी अलाउड था, और गलतियां आप कितनी भी कर सकते थे। तो ये सब उस सिनेरियो में था। तो दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, कि दोनों में से अगर कोई सा भी पैटर्न पर वो एग्जाम ले, अभी कोई भी हमें डाटा नहीं है हमारे पास, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि इस दो पैटर्न पर ही आपका एग्जाम होगा। तो मैं दोनों पैटर्न का आपको तोड़ बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, दोनों तरीके से अगर किसी भी तरीके से एग्जाम होता है तो आप उस पर स्विच कर जाएंगे लास्ट के समय में, जब आपका जो क्या बोलते हैं उसका नोटिफिकेशन आएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। टाइपिंग का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जाकर देख लेना, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर, आपको कीबोर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करना, मैं उस वीडियो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। या कोई भी आपका अदर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे मैं आपको भविष्य में कोई भी अपडेट EMR से रिलेटेड दे पाऊँ आपको। आखिरी तक मैं हेल्प करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। अभी मैं रिसेंटली कुछ वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं एज अ JSA में जब था तो क्या मेरे लाइफ थी, सैलरी क्या आती थी, हॉस्टल्स वगैरह, खाना वगैरह, मैच, रहना पीना सब कुछ, है ना, सिलेक्शन कैसे हुआ, किस बेस पर, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।